नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते भाई साहब। और सर, आपके यहाँ मंडी वंडी लग रही है, नावा की है? हाँ, नाभा मंडी है जी। मेरे तो यहाँ फार्म से 20 किलोमीटर दूर है, मगर है तो छोटी मंडी है, बहुत पुरानी मंडी है। बेसिकली तो ये कुम्हारों की मंडी कहते हैं इसको। प्रजापत जो लोग होते हैं वो लोग इस मंडी में शुरू से आते थे, फिर धीरे धीरे जो किसान लोग हैं वो भी आने लगे। मगर इस साल और कोई मंडी लगी नहीं, तो सबको नाभा मंडी का बड़ा है कि नाभा मंडी लगी है, तो लोग एक बार यहाँ आएंगे ज़रूर। एक क्रेज है यानी कि। हाँ, क्रेज है, क्योंकि इस साल कोई और मंडी लगी नहीं, सबको लग रहा है कि ये मंडी में ज़रूर जाना चाहिए। बाकी देखेंगे एनिमल कितने आते हैं जी। ओके सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन और दे दें। मेरा नाम है जी मनु शर्मा, इक्वाइन फोटोग्राफर हूँ। हिंदी में बात करें तो मैं घोड़ों का फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, ओके सर। तो सर, अभी ये अपना फार्म है ना? हाँ जी। ओके, तो सर ये फार्म का मेन गेट है अपना, है ना? हाँ जी। तो जैसे कि घोड़ों की बात कर रहे हैं तो मेन गेट पे ही घोड़े दिख गए। ये फार्म आया ही घोड़ों की वजह से है जी। मेरा अच्छा, कोई और ना तो मुझे काम आता है घोड़ों के बिना, ना ही कोई मेरा दूसरा काम है, और ये घोड़ों की वजह से ही आया, तो ये फार्म है ही घोड़ों को डेडिकेटेड है जी। और है भी घोड़े का फार्म, तो शुरू से ही घोड़े यहाँ नजर आए, तो मेरे लिए भी और देखने वाले के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। बाकी घोड़ों की मेहरबानी से फार्म आया, तो घोड़े तो होने ही चाहिए हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, एक बार आपने जो देखने वाले लोग हैं उनको अपना फार्म विजिट कराएं सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आइए, वेलकम। ये भी सर शानदार तरीके से दिलवा रखा है आपने। हाँ, कोश, ये हमारे ना जी असल में ग्रुप का लोगो है। अच्छा, हमारा अच्छा। एक ग्रुप है लॉन्ग राइडर्स ग्रुप। अच्छा, तो हम लोग लॉन्ग राइडर ही हैं बेसिकली। दो बार तो मैं पुष्कर की राइड कर चुका हूँ, 614 किलोमीटर की। एक बार 2000 की थी 12 में, और एक बार की है अभी रिसेंटली की है हम लोगों ने 19 में। इस बार हमने 5 लोगों ने की है, तो हम लोग है ही लॉन्ग राइडर्स। तो इसका तो सर, फार्म का नाम भी रखा है लॉन्ग राइडर्स रैंच। अच्छा, फार्म का नाम भी यही रखा है, लॉन्ग राइडर्स रैंच है। वैसे तो रैंच वर्ड जो है बहुत बड़ा है, कि लाइक हजारों एकड़ जगह होती है तब लोग उसको रैंच कहते हैं, मगर अब जब हमारे पास हजारों एकड़ नहीं आ सकती तो रैंच तो हम रख ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इंस्पायर था उनके नाम से, दिनेश जैन साहब के नाम से। उनका नाम है, उनकी है कि कृष्णा रेंच रेंच। हाँ, कृष्णा रेंच स्टेट से मैं इंस्पायर था। हम लोग वहाँ जाते थे, उनका काम देखते थे, तो ये कुछ उसी टाइप का कंसेप्ट होगा आने वाले टाइम में। हम लोग लोगों को यहाँ राइड्स भी ऑफर करेंगे, कोशिश करेंगे कि पंजाब में भी हॉर्स सफारी या लॉन्ग राइड्स हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर पाए। तो सर, अभी जैसे कि ये फार्म बना हुआ है जी, तो ये कितने जगह में होगा, क्या होगा? ये 1.5 एकड़ जगह है जी पूरी ये सर। हाँ, ये पूरी लैंड 1.5 एकड़ है। और इसको मेरी कोशिश ये है कि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अभी तो 1 साल से ही यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं। ओके, मगर इसके चारों तरफ हमने कोई 20-20 फीट जगह छोड़ी है, जिसमें 3 या 4 लेयर प्लांट्स की लगाई है। ये सर ये वाली जगह? जी जी जी। अच्छा अच्छा। और इस ये 4 लेयर लगाने का कारण क्या है कि जिस दिन ये बड़े हो जाएंगे तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड जंगल टाइप फील आएगा, और बाहर की जो फालतू की जो मिट्टी अंदर आती है उससे भी आप कट जाओगे, और सीनरी से भी बाहर क्या हो रहा है तो आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आएगा, और एक अच्छा ऑक्सीजन लेवल भी हम लोग यहाँ मेंटेन करके रखेंगे। तो सर, ये फार्म का जैसे कि आपका था ड्रीम, तो ये पहले से ही था या फिर एकदम पैसा आने के बाद में बना ड्रीम? नहीं, ड्रीम तो जब मुझे घोड़ों का शौक लगा कोई 20-22 साल पहले, तो पहले दिन से ही ड्रीम होता है आदमी का कि अब मैं घोड़ा रखूँगा, फिर एक के मैं 4 रखूँगा। वो एक हमारे यहाँ कहावत होती है, वो शेख चिली वाली के आदमी सपने देखता है, मगर वो सपने पूरे होने में बड़ा टाइम लग जाता है, 20 साल लग गए उसको करते करते। ओके, तो अब जाके ये ड्रीम पूरा हुआ, शुरू हो गया, मतलब के पूरा होने में तो अभी भी इसको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव है। घोड़ा रखना ही अपने आप में बड़ा एक्सपेंसिव है, और एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एक फार्म हाउस बनाना बहुत या खाली हाउस बनाना बड़ा मुश्किल है, तो फार्म हाउस बनाना तो बिल्कुल पागलपन जैसा ही। फार्म हाउस तो भाई ऐसे बोलते हैं ना आज के टाइम में, बड़े लोगों को शोभा देता है। हाँ भाई, तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो फार्म हाउस एक अपने आप में बड़ी तकलीफ फीलिंग है कि हमारा फार्म हाउस है, मगर उसको पूरा करते करते आदमी टाइम तो लगेगा ही, लोग अपना मकान नहीं बना पा रहे। हाँ, बस यही बात है। तो इसको रखा इस तरह से है जी के प्लांट्स इतने ज़्यादा लगाए कि एक तो जो बर्ड्स हैं वो बहुत तरह के आए, क्योंकि वैरायटी है यहाँ प्लांट्स की। ओके सर। और जितनी तरह के अलग अलग प्लांट्स होंगे उतनी तरह के यहाँ पे बर्ड्स आएंगे। ओके। तो हमें बर्ड्स देखने के लिए बाहर ना जाना पड़े, बर्ड वॉचिंग यहाँ पे हो जाए, और एक अच्छा माहौल रहता है, कुदरत में हम लोग रहेंगे।
तो सर जैसे कि अब आपने चालू करा था जब ये अपना जी पेड़ पौधों का जी, तो यानी कि जगह जगह से पेड़ पौधे लाने पड़े होंगे सर? नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी में मिल जाते हैं जी, आजकल साउथ के भी पौधे मिल जाते हैं, इम्पोर्टेड भी मिल जाते हैं, तो पौधे तो यहाँ लोकली अवेलेबल है सारे। अच्छा अच्छा। इसके चारों तरफ हमने ट्रैक रखा है जी। अच्छा, ये जो ट्रैक दिख रहा है। हाँ, और इसको कच्चा भी इसीलिए रखा है ताकि घोड़े की राइड इसमें हो सके। आपका कोई गेस्ट है या आपका खुद का मूड है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते राइड के लिए, तो एक छोटी जगह है अंदर, ग्राउंड तो नहीं कह सकते, ट्रैक है कि आप अच्छी राइड अंदर अंदर ही कर सकते हो। यानी मैं तो कहता हूँ बग्गी भी चला सकते हो? बग्गी भी चलती है जी, बग्गी राइड भी हम लोग करते हैं। इसके चारों तरफ हमने छोड़ा है जी इसको, और इसको जैसे जैसे कोई लैंड और बढ़ती जाएगी, इसको ट्रैक को हम लोग जरूर एक्सटेंड करेंगे। ट्रैक को? हाँ जी। तो सर जो अंदर ये ग्राउंड बनाया है, ये किस चीज़ के लिए बनाया है? जैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये लॉन रखा है जी, क्योंकि इसमें अभी आप इसको पक्का कर दोगे तो ये बुरा लगेगा जी। और हमारा प्लान है कि आने वाले समय में अगर घोड़ों की फोटोग्राफी के लिहाज से भी इस फार्म को डेवलप करेंगे कि किसी का घोड़ा हम ले आए एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ते बाद उसको एक अच्छा वीडियो बना के और उसकी फोटोग्राफी यहीं से करके दे दें, करके दे दें। नॉर्मली क्या है, फार्म तो लोगों के पास बहुत सारे हैं, मगर वहाँ पे अभी जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास फार्म हाउस नहीं है घोड़े रखे, तो उनके वहाँ फोटोग्राफी के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं, अच्छी जगह नहीं। सब जगह पे तार है, कहीं पे बड़ी बिल्डिंग है, तो इसको लेटर ऑन हम लोग डेवलप करेंगे कि यहाँ आप घोड़ा ले आओ, एक हफ्ते बाद उसका वीडियो हम ही सब कुछ उसका पैकेज ही कर देंगे कि साफ सफाई से लेके शोइंग करना और उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके आप एक हफ्ते बाद अपना घोड़ा वापस ले जाओ अपने फोटोग्राफी के साथ। ओके सर, अभी तो सर पेड़ छोटे हैं, जिस दिन ये बड़े हो गए तो बड़ा शानदार माहौल बन जाएगा। टाइम लगता है जी, जैसे फार्म बनने में 20 साल लग गए लैंड लेने में, तो इनमें भी एक दो साल चले जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे तो क्या आने के बाद एक फीलिंग अलग आ जाती है, आदमी अगर एक दिन का मूड बना के आएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि दो दिन रह के ही जाएगा। कोशिश ये है जी, मैंने इतने साल घूमता रहा मैं घोड़ों के चक्कर में, मैंने बहुत सारे फार्म हाउसेस देखे, मगर फिर मैंने उसमें से ये भी देखे कि हमारी औकात में कौन से फिट आएंगे, हमारी पॉकेट में कौन से फिट आएंगे, तो उस तरह के आइडियाज हमने लगाए कि कम पैसे में एक अच्छी सुंदर जगह बन जाए, सुंदर जगह बन जाए। तो सर अभी कितने घोड़े वगैरह रख रखे हैं सर? अभी घोड़े भी है यहाँ पे, अभी तीन है जी सिर्फ। अच्छा, तीन घोड़े हैं और अभी तीन यहाँ पे है, बाकी परमगिल स्टड पे है मेन जो हमारा सेटअप है, राइडिंग वगैरह के हिसाब से रखे। परमगिल स्टड फार्म, तो वहाँ पे रहते हैं 10 से 11 घोड़े। ओके, और यहाँ पे अभी तीन है राइडिंग के हिसाब से ही है ये। तो सर अभी आपने यानी कि फार्म पे कितने लोग रख रखे हैं? यानी कि अभी एक ही बंदा है जी। अच्छा, एक ही बंदा है, क्योंकि ज्यादा घोड़े नहीं है, दो घोड़े रहते हैं नॉर्मली, तो एक आदमी इन सबको मैनेज कर लेता है, मैनेज कर लेता है। बाकी मैं खुद भी सेठ नहीं हूँ, तो मैं खुद भी काम कर लेता हूँ हाथ से जी। ओके ओके, मैं इतना ये डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मुझे कोई काठी लगा के देगा, खुद भी अपना घोड़ा साफ करता हूँ, खुद काठी लगा के राइड कर लेता हूँ। वैसे सर पंजाब में तो सभी सेठ रहते हैं, क्योंकि है ना पंजाब में तो जैसे कि अभी मंडी में लोग आते हैं, है ना, बुरा मत मानना सर, पंजाब में ऐसे आते हैं ना जैसे तो पता नहीं कितना बड़ा बाहुबली है ना, और यानी कि आदमी को यानी कि ऐसे तवज्जो देता है, जैसे हम कभी कभार बोल देते हैं मंडी में आदमी को कि सर वीडियो बना लें जी, तो ऐसा एटीट्यूड दिखाता है कि जैसे तो पता नहीं उसको हमने क्या उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली क्या। नहीं ऐसा है भाई साहब, पंजाब में लैंड महंगी है और सब लोग संपन्न है, सेठ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मगर कई बार ये दिक्कत होती है कई लोगों में कि या तो उनको दो बात ही आती है कि या तो वो अकड़ से बात करेंगे या अकड़ वाले की बात सुनेंगे, उनको बीच का जो एक बैलेंस है वो बनाना नहीं आता जी। और पंजाब में सर ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि वो बहुत बड़े सेठ हैं? पंजाबी बहुत बड़े सेठ हैं जी, और इतने सॉफ्ट स्पोकन लोग आपको मिलेंगे जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन, पर उनको सर उनके में एटीट्यूड ही बिल्कुल नहीं है। एटीट्यूड नहीं जी, पंजाब में सैकड़ों बीघा जमीन होना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, राजस्थान में, एमपी में, अदर स्टेट्स में बहुत जमीन है, पंजाब में लैंड होल्डिंग कम है, क्योंकि यहाँ की लैंड बड़ी कीमती और फर्टाइल है। बहुत लोग है जी, आपको ऐसे दरिया दिल लोग भी मिलेंगे जो जिनको आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके पास इतनी जमीन है, और वो फिर भी इतने सॉफ्ट स्पोकन है। मिलते हैं सर, यानी कि लगता ही नहीं उनके बात करने के तरीके से। वो सब तरह के लोग होते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोथा चना बाजे घना, वो ऐसे चने बहुत है मार्केट में, मगर भरे हुए बर्तन भी बहुत है जो बिल्कुल छलक ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी ये घोड़ों के लिए बना दिया है ना? ये राउंड पेन है जी, देखो अब हमारा घोड़ा, लोग कहते हैं कि घोड़ा सोता नहीं है, हमारा घोड़ा तो अभी सो रहा है। देखो ये तो उठ भी नहीं रहा अभी। मस्तांग, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। तो मजे कर रहा है जी, सुबह की अच्छी धूप है, शायद रात को इसको ठंड लगी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ,
आपके यहाँ पे थोड़ा सा मामला भी ठंडा हो जाता है ना, जैसे अभी नमी हो रही है नीचे। स्पेस है ना जी, अभी इनको रात को अंदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इतनी भी गर्मी नहीं हुई है, ठंड नहीं हुई है कि रात को इनको अंदर किया जाए। ओके भाई, सर ये रहने करने के लिए बना दिया है? एक छोटा सा घर है जी, बस दो रूम है इसमें, अभी सब मान लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन ही है जी। अच्छा, काम चल रहा है अभी, है ना? अभी काम चल रहा है जी, धीरे धीरे। ये तो अपना अभी ऑफिस टाइप है एक। अच्छा अच्छा है। और लेटर ऑन इसको हम बढ़ाते जाएंगे जी, जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे बढ़ा लेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी ये साथ में एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसको जोड़ रहे हैं जी। अच्छा, घोड़े वगैरह के लिए बना रहे हैं सर? फिलहाल बेसिकली घोड़ों का तो मेन सेटअप अभी शुरू करेंगे जी सर्दियों में, क्योंकि अभी लेबर की गर्मियों की वजह से बरसात की दिक्कत है, तो इन सर्दियों में करेंगे। ये तो ओपन स्पेस बन जाएगी जी, मुझे बग्गी चलाने का भी शौक है। अच्छा अच्छा। तो ये बग्गी के लिए पार्किंग बन जाएगी, और फिलहाल सर्दियों में यहाँ दो घोड़े अपना रुक जाएंगे जी आराम से, है ना? हाँ जी। तो सर ये ऊपर जो बना हुआ है किस चीज़ का बना हुआ है, यानी कि? लोहे का ही है जी। कारण क्या, हम बना तो लोकल जो मटेरियल है उसका भी सकते हैं, मगर उसकी लाइफ कम रहती है जी, उसमें आग लगने का खतरा रहता है। ओके। तो ये शेड जो है लोहे का ही बनाया, और ये चद्दर थोड़ी एक क्वालिटी कोई नई आई है जी, जो तपती कम है, तपती तो हीट इसके नीचे कम आती है जी। क्योंकि सर क्या कि गर्मी में ये चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें फॉल सीलिंग हो जाएगी जी अंदर, है ना? फॉल सीलिंग हो जाएगी, एसी हो जाएगा जी। इसमें दो गेस्ट रूम बन जाएंगे बेसिकली। अच्छा, ये इधर काम चल रहा दिखता है सर? अभी तो एक सर्वेंट क्वार्टर बन जाएगा जी, जो हमारा बंदा घोड़े संभालता है। अच्छा, तो उसके लिए एक अच्छी अटैच वॉशरूम वाला रूम बना के दे रहा हूँ। नहीं तो सर, मुझे लगता है कि अगर काम करने वाले लोगों को आप रहने खाने की अच्छी सहूलत नहीं दोगे तो उनको काम में भी मन नहीं लगेगा जी। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी सर्वेंट हो हमारे, खाना पीना अच्छा हो, रहने की जगह तो, आराम करने की जगह तो उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो सर, जैसे कि आपने सोचा इतना ना जी, बहुत सारे लोगों का वीडियो भी देख रहे होंगे तो उनको भी पता लग ही जाएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जैसे अपने नौकर के साथ में सर ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि पता नहीं वो उनका पाला हुआ पालतू कुत्ता हो। नहीं, नौकर उसकी कोई मजबूरी है पैसे की वजह से कि वो हमारे यहाँ काम कर रहा है। मैं कभी भी उसको नौकर वर्ड मुझे बेसिकली अच्छा भी नहीं लगता है जी। मैं मेरे जो भी हमारे साथ लड़के काम करते हैं, हम उनको कभी तू तड़ाक से बात नहीं करते। क्योंकि सर वो भी किसी मजबूरी में अपने घर से बाहर। आज वो जो लड़का मेरे यहाँ काम कर रहा है, कुछ कल राजस्थान में उसकी जमीन में माइन आ जाए और वो सेठ बन जाए। सेठ ना भी बने तो भी एक इंसान है जी, उसको हमें बातचीत तो तू तड़ाक से किसी से भी नहीं करनी चाहिए। जैसे YouTube में आजकल यूट्यूबर स्टोरी बनाते हैं कि कैसे गरीब बना IAS। कोई भी बन सकता है, हम लोग भी गरीबी है जी। ठीक है, हमारे पास है चार घोड़े आ गए, तो हम वो अमीर आदमी जितना मर्जी हो जी, अमीर होने की फीलिंग लेनी बुरी बात है। जब आप अमीर हो गए तो ले लेना फीलिंग, हर समय ही अमीर की फीलिंग लेना। क्योंकि सर वो भी क्या इंसान है, देखो सर दुनिया में कोई भी आदमी हो पर हर आदमी इज्जत जरूर चाहता है, चाहे से वो छोटा हो या बड़ा हो। भाई साहब, इज्जत तो आप घर का, अगर आपका एक पेट डॉग है उसको नहीं दोगे तो वो आपकी नहीं करेगा, है ना? आपका जो काम कर रहे हैं बंदे आपके लिए, उनको इज्जत ही नहीं दोगे तो कोई आइडिया नहीं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को सर देखा है कि अपने उनके साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं ना, मैं कभी जाता हूँ वीडियो शूट करना तो मेरे को भी लगता है पता नहीं कैसा बर्ताव कर रहा है। कुछ लोगों में भाई साहब ये होता है कि अगर वो मेहमान के सामने अपने लोगों से, अपने घर वालों से नहीं लड़ते तो उनको लगता है कि हमारा रुआब नजर नहीं आ रहा। जबकि आदमी का रुआब इस चीज में होता है कि उसकी चीजें अप टू डेट हो और उसको ऊंचा बोलना ही ना पड़े, तो वो रुआब होता है मेरी नजर में जी। और बहुत सारे लोगों ने सर पंजाब में अपने लोगों को ऐसी भी सुविधा दे रखी है, जैसे काम करने वालों को वाईफाई भी लगा के दे रखा है, एसी भी लगा के दे रखा है यहाँ पे, यानी इस तरीके भी लोग हैं। सब तरह के लोग होते हैं जी, देखो पूरे ना तो साधु होते हैं ना डाकू होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं जी। सबका अपना अपना स्वभाव है जो चेंज नहीं हो सकता। हम चाके भी उनके जैसे नहीं बन सकते, वो चाके भी हमारे जैसे नहीं बन सकते। ये भगवान ने सबको एक मेक दी है और आदमी उसमें फंसा ही रहेगा जी। CPU जैसे भगवान ने किसी का डिजाइन कर दिया वो वैसा ही रहेगा, आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज तो वैसे ही काम करेगा, वैसे ही काम करे। तो सर आपके यहाँ पे भी क्या है, ये जमीन का क्या भाव चल रहा होगा, यानी कि लगभग? यहाँ ठीक ही रेट है जी ये, क्योंकि हाईवे पे तो है नहीं है, हाईवे से हटके 25 लाख 26 लाख इतना ही एकड़ का है जी। कम भी है, जो चीज जो जगह अप्रोचेबल नहीं है जी वही जमीन सस्ती है। बाकी पंजाब में जो कहते हैं कि 10 लाख का एकड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में जमीन महंगी है क्योंकि
यहाँ फसल तो हर एक जमीन में होती है, हर एक परस ना, और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, एक इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ खेती नहीं हो रही है, और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। पानी यहाँ पंजाब में ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है, तो लोग नहर का पानी भी यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड में आपके पास खुद की सहूलत है, कभी भी मोटर चलाओगे पानी है, तो नहर वाले पानी पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि 4 बजे आएगा 3 बजे आएगा, तो यहाँ ग्राउंड वाटर खूब है जी। ओके, तो बाकी सर राइडिंग वाइडिंग करने सुबह जाते हो कि शाम को अधिकतर जाते हो? राइडिंग अभी तो गर्मी की वजह से थोड़ा बंद है जी, वैसे शाम को करते हैं, और अभी सर्दी आ जाएगी तो पूरा टाइम आपके, आप कभी भी राइड करो, हम लोग नाइट राइड भी करते हैं जी। तो नाइट में सर दिक्कत नहीं आती? नहीं, घोड़े को भी नजर आता है जी, अगर आप लाइटों से थोड़ा दूर रहोगे तो आपको अच्छा नजर आता है रात को। अच्छा, लाइटों से दूर रहें तो? हाँ, क्योंकि एकदम आपकी आंख में लाइट पड़ गई गाड़ी की, या आपने अपने फोन की टॉर्च लगा ली, तो उसको अंधेरे में सेट होने में 1-2 मिनट घोड़े को और आदमी को लगते हैं। तो लाइट आप यूज ही मत करो, हम तो अब हेडलाइट भी यूज नहीं करते। सितारों की लाइट भी होती है जी, चांद की लाइट भी होती है, बाकी जब आप कुदरत में रहते तो आपका दिमाग और काम करता है ना। ओके, तो आप जो साधन है उनसे थोड़ा बच के रहोगे तो फिर कुदरत आपको तगड़ा बना देती है कि इसके पास साधन कम है, काम तो आपने चलाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर अपना फार्म विजिट कराने के लिए। बाकी सर आपका फार्म देखने के बाद में मजा आ गया। चलिए धीरे धीरे देखते हैं जी, जैसा ड्रीम है वो पूरा होगा कभी ना कभी भगवान। बिल्कुल सर, जरूर होगा सर, आपने सोच, देखो आदमी अगर सोच ले तो सब कुछ पूरा हो सकता है। जो कहावत है ना जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और हमारे गुरुओं ने भी कहा है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, ये आप पे डिपेंड करते हैं आप भगवान से क्या मांगते हो। बिल्कुल, आप मांगोगे अच्छा तो आपको जरूर मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता। भगवान ऐसे भिकमंगे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, खाने पीने को नशा शराब समैक दे देता है, आप तो फिर अच्छी चीजें मांग रहे हो, आपको क्यों नहीं देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।